हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, जेब में कपूर रखने से मिलते हैं कई प्रकार के लाभ। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों कपूर, यानी कि दोस्तों कपूर का वास्तुशास्त्र में विशेष महत्व है। इसको जेब में रखने से कई तरह की परेशानी से निजात मिलती है, जिसके बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए और जानिए कि कपूर जेब में रखने से आपको किस तरह के लाभ मिलते हैं। तो दोस्तों, ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, देवी देवता की आरती करने के लिए घी तेल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक और चीज से भी भगवान को दिया जलाया जाता है, वो है कपूर। तो दोस्तों, इसको ना सिर्फ आरती में बल्कि हवन करने में भी उपयोग में लाया जाता है। लोगों का मानना है कि कपूर से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। इसे जलाने से वातावरण शुद्ध होता है और घर में मौजूद खराब बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। इसके अलावा कपूर का वास्तुशास्त्र के विशेष महत्व है। दोस्तों, इसको जेब में रखने से कई तरह की परेशानी से निजात मिलती है। तो चलिए जानते दोस्तों ऐसे कुछ खास लाभ के बारे में। तो दोस्तों, नंबर एक, सबसे पहला लाभ होता है, इससे मन शांत रहता है। दोस्तों, किसी तरह के नकारात्मक विचार नहीं आते हैं दिमाग में, खुशी का अनुभव होता है। इसके अलावा काम में मन लगता है। दोस्तों, नंबर दो, जेब में कपूर रखने से सुंदरता भी बढ़ती है चेहरे की। आपको सफेद कपड़े में कपूर को बांधकर अपने पास रखना है, इससे स्किन और ब्यूटी से जुड़ी सभी समस्या का समाधान होता है। तो दोस्तों, नंबर तीन, वही जिन लोगों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है, उन्हें भी इस वास्तु टिप्स को अपनाना चाहिए। इससे शांति और प्यार दोनों बना रहेगा आपके संबंधों में। तो दोस्तों, अवश्य करें। दोस्तों, नंबर चार, वही ऐसा करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है, हंसी खुशी का माहौल होता है, परिवार में किसी तरह की कलह नहीं होती है, लड़ाई झगड़े बंद हो जाते हैं। इससे अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो ये भी कंट्रोल में रहता है। तो दोस्तों, नंबर पाँच, कपूर रखने से आर्थिक संकट दूर होते हैं, महालक्ष्मी का आगमन होता है। अगर आप पैसे की परेशानी जूझ रहे हैं तो जेब में कपूर रखना शुरू कर दीजिएगा, फिर देखो दोस्तों क्या चमत्कार होता है आपके जीवन में। तो दोस्तों, इस तरह से ये आप पांच तरह के लाभ आपको मिलते हैं, यानी कि दोस्तों कई तरह के लाभ आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप कपूर जेब में नहीं रखते हैं तो आज से ही शुरू कर दीजिएगा, फिर देखो क्या चमत्कार होता है आपके जीवन में। दोस्तों, आपके वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स में जय श्री महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।